हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो अवध ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों, आज मैं हूँ बाबागंज में आया हूँ दोस्तों, और बाबागंज के 3 किलोमीटर बगल एक रंजीतपुरवा गांव पड़ता है। तो मैं हूँ रंजीतपुरवा गांव में, और पीछे दिख रहा है पेड़ वेड़ सारे। तो पेड़ का ये सागौन का पेड़ है दोस्तों, और बहुत अच्छा पेड़ लगा हुआ है बिल्कुल एकदम लाइन से। और ये रंजीतपुरवा गाँव है दोस्तों, अंदर की तरफ मतलब मिलेगा रंजीतपुरवा गाँव। तो आज था बरही, तो इसीलिए हमने आए यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने कई दिन हो गए वीडियो नहीं डाला। तो दोस्तों, मैंने अगली बार बाबागंज में आया था तो वीडियो बनाया था दोस्तों, विजिट वाला वीडियो, तो मैंने उसको काट दिया। और मतलब वापस यहाँ से गया था, वो भी वीडियो मैंने बनाया था। और दोस्तों, उससे पहले एक HDFC पार्क का वीडियो बनाया था। तो सारे वीडियो मतलब 3 वीडियो हमारे पर कॉपीराइट आ गया था दोस्तों, गलती से उस वीडियो पर गलत सॉन्ग लग गया था, इसी कारण से कॉपीराइट आ गया था दोस्तों। तो इसीलिए हमने वो 3 वीडियो को काट दिया है। फिलहाल दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं रंजीतपुरा गाँव में, क्योंकि उस दिन जब आए थे तब छठी था, आज आए हैं, आज बरही है। तो दोस्तों, आज देखते हैं, एक गाँव है दोस्तों रंजीतपुरा, एक बड़ा गाँव है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? अभी सुबह हो चुका है और थोड़ा सा हम गांव के बाहर आए थे, तो फिलहाल अभी कोहरा वोहरा दिख रहा है, आज कोहरा बहुत था। और अभी हम रंजीतपुरवा गांव में हैं। तो दोस्तों, रंजीतपुरवा गांव से अभी हम बाहर आए हैं, और थोड़ा इधर की तरफ जाने पर अकूबगंज मार्केट मिलेगा। फिलहाल अकूबगंज मार्केट में हम चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो खेती बाड़ी की बात की जाए, अगर पीछे देख सकते हो सरसों की खेती, और पीछे दिख रहा है गन्ने की खेती, तो सारे मतलब यहाँ खेती बाड़ी के मामले में यहाँ मतलब यहाँ का एरिया जो है पीछे नहीं है, फिलहाल बहुत आगे है। क्योंकि गेहूं की खेती देखा जाए, या गन्ने की खेती देखा जाए, या सरसों की खेती देखा जाए, मतलब सीजन के हिसाब से, तो सारे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से यहाँ पर होती है। तो फिलहाल सीन देख लो, फिलहाल कोहरा है दोस्तों, कोहरा के कारण से सीन थोड़ा हरा भरा नहीं दिख रहा है, तो जैसा कि देख सकते हो। और फिलहाल दोस्तों, अभी हम चलते हैं अकूबगंज मार्केट, देखते हैं कि किस तरह से अकूबगंज मार्केट है यहाँ का। और दोस्तों, हमने बाबागंज का वीडियो भी बनाया था, बाबागंज वीडियो जो बनाया था, फिलहाल बाबागंज मार्केट भी इसी पास में पड़ता है, तो अगर उसको देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। फिलहाल दोस्तों, वो उस वाले वीडियो में हमको बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला था। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अकूबगंज मार्केट के पास में, और यहाँ पर दोस्तों एक भगवान का बहुत ही अच्छा मंदिर है, और एक इंटर कॉलेज भी है जो बहुत ही अच्छा, भगवती प्रसाद के नाम से। तो फिलहाल ये इंटर कॉलेज दोस्तों, बड़ा इंटर कॉलेज दिख रहा है, और लगता है अच्छा इंटर कॉलेज है। और फिलहाल इधर अभी मार्केट अंदर में है, हम चलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा भी मार्केट का सीन दिखाएँ। अभी दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं अकूबगंज मार्केट में। दोस्तों, यह है अकूबगंज मार्केट, और यहाँ पर कपड़े उपड़े की दुकान, होटल वोटल, सारी चीज़ अच्छे अच्छे हैं। तो फिलहाल ये भी मार्केट गांव के हिसाब से ठीक ठाक मार्केट है, मार्केट में सभी सामानें मिलती हैं। दोस्तों, इस मार्केट का नाम हम समझते थे कि अकूबगंज है, पर अकूबगंज नहीं, इस मार्केट का नाम याकूबगंज है दोस्तों। ये छोटा मार्केट है दोस्तों, बाबागंज के हिसाब से देखा जाए तो बाबागंज मार्केट जो था वो इससे काफ़ी बड़ा था, और कम शॉपिंग अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ पर आता है, और अगर ज़्यादा शॉपिंग करना चाहता है तो फिलहाल बाबागंज जाता है दोस्तों, यहाँ के एरिया के जो भी है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये याकूबगंज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये है कूबगंज दोस्तों,
और स्कूल का आगे का सीन है। तो ये तो अभी हम दोस्तों आ चुके हैं याकूबगंज मार्केट से बाहर, और फिलहाल अभी जा रहे हैं रजतपुरा गांव में। रजतपुरा गांव से फिर हमको जाना है उतरौला, तो फिलहाल देखते हैं वहां का, उतरौला में चलते हैं, वहां भी कुछ वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक घंटी दिखेगा बेल आइकन, तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा भेजा हुआ वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप देख सको। और दोस्तों पीछे देख सकते हो कुछ खेतों की जुताई हो रही है, जैसा कि फिलहाल दोस्तों यहाँ का सीन देख लो, बहुत ही अच्छा सीन दोस्तों यहाँ का भी है। और चलो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।